भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है, नारी को केवल भोग की सैया मत बनाइए। नारी पूजा की थाली है, नारी कहा जाए तो घर गृहस्थी के मंदिर की देवी यदि कोई होती है तो वह नारी हुआ करती है। नारी के बिन घर जीवन सब बेकार है। आदमी दुख तो इस बात का है कि नारी ही नारी का शोषण कर रही है। पुरुष शोषण करता तो उससे लड़ा जाता, उसके लिए कानून बनाया जाता। दुख तो इस बात का है कि नारी के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है, नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के द्वारा नारी की हत्या कराई जा रही है। और हर माँ चाहती है कि मेरे को बेटा होना चाहिए लेकिन मुझे बेटी नहीं होना चाहिए। तो माँ ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी किसी के घर की बेटी रही हूं। ध्यान रखिए, नारी के द्वारा नारी का शोषण। एक माँ बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि एक बेटी होगी तो पराया धन है, और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज व्याकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को बालिकाओं को अपने सिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है तो उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाए। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी बंधनी हो जाया करती है। और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। ध्यान, लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की। मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया, अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी। वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना। चाहे लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मान्यवर इतना सब करने के बाद भी
लड़की पक्ष को शर्मिंदा किया जाता है। बारात लेकर आते हैं, बेचारा कर्ज में डूबा हुआ लड़की का बाप अपने चेहरे से चिंताओं की रेखाओं को मिटा करके मुस्कुराता है बारातियों के सामने, हाथ जोड़ता है, उनका अभिवादन करता है, आवभगत करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है, अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी के लिए करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी बराती लोग आकर के लड़की पक्ष के सम्मान में कमियां निकालते रहते हैं, उसे झिड़कियां देते रहते हैं, उसे अपमानित करते रहते हैं। अभिवादन करते करते बेचारा लड़की का पिता थक जाता है। क्या वजह है इस देश में कि आज भी लड़की वालों को छोटा समझा जाता है, आज भी उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है, लड़की वालों को हाथ जोड़ करके जीना पड़ता है, लड़की वालों को सिर झुका के जीना पड़ता है, लड़की वालों को नजरें झुका करके बात करना पड़ती है। क्या वजह, आज भी लड़की का पिता लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़ते रहता है। 21वीं सदी का ये भारत, इतनी उन्नति करने के बाद भी आज हमारा देश लड़के और लड़की की भेद रेखा नहीं मिटा पाया है, सबसे बड़ी विसंगति है हमारी समाज के भीतर मौजूद है। उस लड़की के पिता ने लड़की की शादी कर दी, पहली बार लड़की अपने ससुराल गई, 15 दिन बाद बाप उसे लेकर आया, लड़की से पूछा ससुराल कैसी है बेटा, उसने कहा कुछ नहीं पिताजी अच्छी है। ठीक है, बाप को लगा कि जरूर लड़की कुछ छिपा रही है। दूसरी बार फिर पहुंची ससुराल, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा, उसकी सास कहती कि पैसा लेकर के आ अपने माँ बाप से। एक बार कर्ज लेकर के मान्यवर, ये कोई कहानी नहीं है, नागपुर के पास की घटना है, सत्य घटना है, अखबार में पढ़ी गई। उसे कहा गया कि पैसा लेकर के आओ, लड़की बोली अम्मा जी मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं है कि वे हर बार आपको पैसा दे सके, कर्ज करके उसने मेरा विवाह किया है, घर गिरवी रख के उसने मेरा विवाह किया है, अम्मा जी आपको जितना काम उससे कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को पैसों के लिए परेशान मत करिए, वो बहुत गरीब हैं, आपने दहेज मांगा उन्होंने दहेज दिया, लेकिन अब उनका इतना सामर्थ्य नहीं है, उनकी एक छोटी बेटी और है उसकी भी उसे शादी करना है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे जो आप कराएंगे, कपड़े धुलाएंगे कपड़े धोऊंगी, बर्तन साफ कराएंगे मैं बर्तन साफ करूंगी, मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी, लेकिन अम्मा जी मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पीहर से पैसा मत मंगाइएगा, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, यदि मेरे बाप के पास होता तो मैं और ज्यादा ला करके तुम्हें देती। सास ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, अपने पीहर से पैसा लेकर आओ, ननद प्रताड़ित करने लगी, ससुर मौन रहने लगे। पति ने कहा यदि तू 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या करती वो गरीब की लड़की, फोन लगा के पीहर में बोल नहीं सकती कि पैसा चाहिए, उसे मालूम था कि यदि मैं मांगूंगी और अपने माँ बाप से अपने दुखों का बयान करूंगी तो मेरा बाप हार्ट पेशेंट है, वो दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। कितना मजबूर किया गया उस लड़की को, उसने अपने पति को बहुत समझाया कि देखिए मुझे मजबूर मत करिए, मेरे माँ बाप नहीं, मैं चकली रोटी खा के रह लूंगी, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि जैसा रखोगे वैसा रहूंगी, एक सामान की भी तुमसे डिमांड नहीं करूंगी। लड़के ने कहा कि वो कुछ नहीं, तू अपने बाप के यहां से पैसे लेकर के आ। और एक दिन ध्यान रखना, उसे मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, लड़की मजबूर न ससुराल छोड़कर जा सकती है, न पीहर से पैसा मांग सकती है।
एक दिन पिता लेने आया, लेकर के उसे पीहर आया, सड़क पड़ी लड़की की आंखें, पिता को समझते देर न लगी। उसने कहा, बोल बेटी तुझे क्या कष्ट है इस घर में? बोले, कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वही होगा, आप चिंता नहीं करें। बोले, बेटी लगता है कि तू है प्रताड़ित होती है। बोले, कुछ नहीं पिताजी। माने का बेटा बता, तुझे क्या कष्ट है उस ससुराल में? उसने कहा, मां मुझे कोई कष्ट नहीं है, जितने दिन मैं रहने आई हूं पीहर में उतने दिन रहूंगी, लौट करके घर चली जाऊंगी। सुबह से शाम वह देखती मां, मां का हृदय था, बेटी की भावनाओं को पढ़ा करती थी। उसने कहा, बेटी तुझे मेरी कसम है, एक बात बता, तुझे क्या दुख है? रो पड़ी मां से लिपट के, मां मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी ससुराल मिली है मुझे जो कहती है कि अपने पीहर से पैसा लेकर के आओ। मां मुझे मालूम है ना, ये मकान गिरवी रखा है पापा ने, अब बता मां मैं इस उम्र में उनसे कैसे कहूं कि मेरे लिए पैसा चाहिए, मैं कहां से पैसा ला करके दूं? मां यदि मैं दहेज प्रकरण में जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हूं तो मैं कैसे लड़ूंगी? मेरे पिता के पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मां बड़ी चिंतित हो गई। माने का, चिंता मत कर, मेरे पास कुछ चूड़ियां पड़ी हैं सोने की, ये ले जा करके अपने पति को दे दे, तू खुश रह। उसने कहा, मां ये चूड़ी तुम रखो, ये छोटी वाली की शादी करना है आपको, और आपने चूड़ियां दे दी, अगले महीने फिर डिमांड आएगी, बता मां मैं कहां तक दूंगी उसे? तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे उस घर को सुधार लूंगी, उस घर को बदल लूंगी। 15 दिन बीते, पिता लड़की को छोड़ने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के लड़की को जैसे ही रखा, सास ने ढंग से बात ना की, ननद ने ढंग से बात नहीं की, और एक दिन उसे बोला कि बोल तू कुछ लेकर आई है या नहीं आई है? रो पड़ी किस्मत की मारी। मालूम है क्या हुआ? सास ने और ननद ने उसे कमरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बोले, हमने देख लिया तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं, इतना प्रताड़ित किया उस लड़की को, उसके हाथ पैरों को बांध करके इतना मारा गया, एक लोहे की रॉड से मारा गया। ननद ने मारा, सास ने मारा, और तो और आवेश में आकर पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, और इतना आवेश, इतना क्रोध भरा, तड़प रही है वह अबला कि मुझे कहां मेरा शादी हो गई, इससे अच्छा तो कुमारे ही मेरा जीवन बीत जाता। और देखते ही देखते वो जो ननद थी भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूं, कहीं ससुराल में जाऊंगी। उसने लोहे के चाकू से उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, खून की धार लग गई। अब जब वह चीखती है लड़की, मिट्टी का तेल डाला गया, और एक दिया सलाई जला करके उस लड़की को जला करके राख कर दिया गया। तड़पती रही वह अबला, अखबार में पढ़ा, मेरा दिल दहल गया ये देखकर, ऐसे नराधम लोग भी आज इस दुनिया में जिंदा है जो पैसे की खातिर बेटियों को ऐसे चला दिया करते हैं। मान्यवर तड़प तड़प के जल गई, चीख पुकार सुन के पड़ोसी एकत्रित हुए। कहते हैं, घर में सुबह सुबह फोन की घंटी घनघनाई। लड़की के बाप ने सोचा, सुबह 6 बजे फोन आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, आंख फड़क रही है मां की। जैसे ही फोन उठाया, ससुर ने फोन किया कि समधी जी, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। लड़की की मां समझ गई कि कुछ अनहोनी घट गई है उस घर में, दौड़े दौड़े लाचार मां बाप पहुंचे उस घर में, और जैसे ही घर में पहुंचे क्या देखते हैं कि लड़की के ससुर और पति ने कहा, इसे जल्दी चला दो, माँ बाप आए उससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये अपने आप धोखे से मर गई है। गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है सुबह सुबह कुछ काम कर रही हो,
गैस भबक पड़ा हो और जल गई हो, ले जाकर के अर्थी को मरघट में ले जाया गया। यहाँ ट्रेन लेट हो गई, पहुंचे दोनों माँ बाप। घर में पहुंचते हैं तो एक कंडा जलने का धुआं दिखाई दे रहा है। लड़की की माँ ने कहा, मेरी बेटी कहाँ है? बोले, अम्मा जी जरा संभलिए, अपने आप को संभालो। उसे मरघट में ले जाकर उसका संस्कार हो रहा है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला है। दौड़े दौड़े रिक्शे में बैठकर मरघट गए। लकड़ियां रची जा रही हैं। लड़की की मां ने चिता बिखेर दी कि नहीं, ऐसे नहीं जल सकती है लड़की। उसके भीतर मातृत्व भाव जग गया, चिताएं बिखेरी। जैसे कफन में से मुंह हटाया गया, मुंह से कफन हटाया, मां देख कर बेहोश हो गई। इस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई। जिस लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया, जिसके शरीर को पहचाना नहीं जा सकता है, उसने कहा पहले पुलिस केस बनेगा, उसके बाद लड़की को दफनाया जाएगा, उसके बाद लड़की को जलाया जाएगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ, पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की को इन हत्यारों ने मिलकर के मार दिया है। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की का लाचार बाप जार जार आंसू बहा रहा, लड़की की मां बेहोश होके पछाड़ खाती है। चंद रुपयों के खाते उसकी हत्या कर दी।